लेट्स कंटिन्यू विद नंबर सिस्टम। कल हमने रियल नंबर इसका रियल नंबर्स का बेसिकली रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन किया था, है ना। तो हमारा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा था बेटा? कल हमने ये तीन क्वेश्चन लास्ट में किए थे। तो आप देखो कि यदि हमने 1 को डिवाइड किया था 3 से, 10 को डिवाइड किया था 3 से, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया था। एंड हमने बात की थी कि हमें इसको और यदि वापस करते जाएं डिवीजन डेसिमल है तो जीरो लगा लगा करके, तो वी विल अगेन एंड अगेन गेट द सेम 3333 आता जाएगा। हाँ, तो फर्दर डिवीजन का कोई सेंस नहीं है। नंबर क्या है? रेशनल नंबर, बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पर इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा। यदि रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। रिमाइंडर जीरो नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिकॉज द रिमाइंडर इज रिपीटिंग इटसेल्फ। हमें बार बार रिमाइंडर में क्या मिल रहा है? वन वन वन। हम कितनी भी बार इस डिविजन को करते जाए हमारे पेज खत्म हो जाएंगे, हमारी सारी इंक खत्म हो जाएगी, बट ये डिविजन कभी फिनिश नहीं होगा। दिस विल नेवर एंड, मीन्स दिस विल नेवर टर्मिनेट। ये टर्मिनेट नहीं होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिकॉज द रिमाइंडर इज रिपीटिंग। एंड रिपीटिंग के लिए आप एक और वर्ड यूज करते हैं, रेकरिंग। रेकरिंग और रिपीटिंग, दे आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। यहाँ पर रिपीटिंग होगा, रिमाइंडर इज आइदर रिपीटिंग और रेकरिंग, ठीक है। एंड टर्मिनेटिंग नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरे टाइप का हमारा क्या था कि हमने जब 7 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। व्हेनेवर रिमाइंडर इज 0 देन वी विल से इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया डेसिमल। अब इसके आगे हम डिवीजन कर नहीं सकते, बचाएंगे कुछ तो डिवाइड किसको करोगे? सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तीसरा हमारा था, हमने इसको डिवाइड किया 1/7। तो हमारा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन दो ही टाइप का होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स या तो आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, या दूसरा आपका क्या होगा? रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, बट रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा, बार बार आपको वही नंबर मिलेगा। तो फिर आप डिवाइड करोगे तो आपको सेम स्ट्रिंग बार बार मिलेगी। जैसे यहाँ 3 मिल रहा था, ये नंबर बड़ा है ना, यहाँ पर सिर्फ 3 था, यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है, तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.1042857। इसके बाद क्या हुआ? हमने शुरू किया था 1 से, हमारा रिमाइंडर वापस से 1 आ गया। अब हम फिर डिवाइड करेंगे यदि, तो हमारा आगे क्या आता जाएगा? यही नंबर रिपीट होता जाएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7। फिर यदि हम फिर से करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7। बार बार ये रिपीट होगा। हाँ, और मैंने कल आपको बताया था कि बार बार रिपीट होता है, इसीलिए हम इस स्ट्रिंग के ऊपर जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। यदि हमें 1/7 की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो हम क्या लिखेंगे? 0.142857। एंड बिकॉज ये पूरी की पूरी जो ब्लॉक है ये पूरा रिपीट हो रहा है इतने सारे डिजिट्स का, तो हम इस पूरे के ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब क्या है कि ये बार बार आएगा, दिस विल रिपीट इटसेल्फ। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम इसमें बुक से एक बार बात कर ले आपके एनसीईआरटी से, इसमें हमको 2-3 चीजें ऑब्जर्व करनी है रिमाइंडर के बारे में। तो पहली बात तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर रिपीट हो रहा था, हाँ हम ये डिस्कस कर चुके हैं 1, 1, 1, और डिवाइजर क्या था? 3। जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। जब हमने इसको 8 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर एक बार 6 आया, एक बार 4 आया, और अगले स्टेप में 0 आ गया। यहाँ पर आपका 6 था, फिर 4 आया और 0 हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग। जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, और फिर से 1 आ गया। तो ये हमारे रिमाइंडर जो है 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, डिवाइजर वाज 7। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग इन दिस ब्लॉक? इफ यू काउंट तो ये क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 डिजिट्स। हमने डिवाइड किससे किया था? 7 से, और रिपीट कितनी हो रही है? 6। 7 डिजिट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगी, जो भी आपका डिवाइजर है उससे कम होगी। हाँ, उससे कम होगी, एक भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर 1/3 था, जब हमने डिवाइड 3 से किया तो हमारा एक ही आया, मैक्सिमम कितनी हो सकती थी? 2। किसी के भी रिपीटिंग ब्लॉक में, मतलब जो बार के अंदर अपन नंबर लिखते हैं उसमें मैक्सिमम डिजिट्स कितनी हो सकती है, ये भी आगे क्वेश्चन आएगा आपका एक्सरसाइज में। और ये कंसेप्ट आप याद रखें, जो भी डिवाइजर है जो डिनोमिनेटर में है उससे एक कम, मैक्सिमम डिजिट, मिनिमम तो एक हो सकती है, कि एक ही डिजिट रिपीट होती जा रही हो, 2 होती जा रही हो, 3 होती जा रही हो, हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिजिट कितनी हो सकती है? 17 माइनस 1, 16। और मिनिमम हो सकता है 1 हो, 2
टू हो थ्री हो, मिनिमम कैन बी एनीथिंग, बट मैक्सिमम पे लिमिट है। ऐसा नहीं कि मैं 17 से डिवाइड कर रही हूँ, 25 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हाँ, तो हमको डिवीजन कहाँ तक करना है, यदि हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और यदि टर्मिनेट नहीं हो तो उसका रिपीटिंग ब्लॉक शुरू हो जाना चाहिए, रिमाइंडर शुड स्टार्ट रिपीटिंग। और हमें मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड करना है वो हमें पता चल गया कि यदि हमारा डिनोमिनेटर 7 है तो हमें मैक्सिमम 6 टाइम्स डिवाइड करना है। हाँ, यदि हमारा डिनोमिनेटर 9 है तो हमें 8 टाइम्स करना है मैक्सिमम। मिनिमम यदि उसके पहले रिमाइंडर 0 हो गया या रिमाइंडर रिपीट होने लग गया तो हमें वहीं पर रुक जाना है। पर यदि रिमाइंडर रिपीट ना हो, रिमाइंडर 0 ना हो, तो आप एक बार आपकी कैलकुलेशन चेक करो कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रखें। अब आपका वही है एनसीईआरटी में जो लिखा है कि आपका पहली बात तो भी रिमाइंडर या तो 0 हो जाता है कुछ स्टेज के बाद या रिपीट होने लग जाता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिपीट होगा। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। हाँ, रिपीटिंग स्ट्रिंग में जो नंबर है, डिजिट्स कितनी आएंगी वो डिवाइजर से कम होगी। ठीक, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमारा है इफ द रिमाइंडर रिपीट्स देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशेंट। यदि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो हमें रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा है और इसको हम बार लगा के लिखते हैं। ये बात भी हमने कर ली। नेक्स्ट आपका क्या दिया एनसीईआरटी में, अब ये बात है कि जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेटा है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कि रिमाइंडर बिकम 0, दिस इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और रिमाइंडर नेवर बिकम 0, कभी भी 0 नहीं होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, दिस विल बी नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखो 1/7 जो था उसकी वैल्यू 0.142857 थी, तो इसके उसमें मैक्सिमम डिजिट्स कितनी है आप काउंट करोगे तो दिस आर 336 डिवाइड बाय 7 था, मैक्सिमम डिजिट्स कितनी आई रिपीटिंग ब्लॉक में 6। यदि मान लो हम डिवीजन में कुछ गलती कर देते हैं तो हो सकता है 6 के बाद भी आपका नहीं आता, तो आपको पता चल जाना चाहिए डिवाइड 7 से कर रहे थे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था या रिमाइंडर रिपीट होना चाहिए। रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ 6 डिजिट के बाद भी, तो क्या पता चला कि आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। कैलकुलेशन करेक्ट कर लो, पता चल जाएगा, करेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। अब हमने मैंने ओके ये एग्जांपल है आपका एक। अब इसमें आपको क्या क्वेश्चन आएंगे कि आप नंबर्स को एक्सप्रेस करो, डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है और उसको आप कन्वर्ट करो रेशनल फॉर्म में या रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्वेश्चन दो तरह से होता है, एक बार आपको बोल देंगे कि इसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करो, या आपको क्या बोल देंगे कि इसको पी बाई क्यू फॉर्म में करो। तो आपको पता है कि पी बाई क्यू फॉर्म भी रेशनल नंबर का ही रिप्रेजेंटेशन है, तो कुछ अलग नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको कैसा नंबर दिया है, देखो 3.142678, इसके ऊपर बार है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग। हाँ, दिस इज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग टाइप का। तो अब हम इसको यदि हमको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू फॉर्म में, तो हम इसको क्या करें, सिंपली यहाँ से डेसिमल हटा दें। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितने डिजिट्स थी, 1, 4, 2, 6, 7, 8। देर आर 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो आपको पता है 1 के पीछे 6 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये किस फॉर्म में हो गया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब यदि आपके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये दोनों तो इवन नंबर है, मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, तो कर सकते हो, बट उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि आपका आंसर यहाँ आ चुका है, ये रेशनल नंबर है। आपको यही बताना था कि इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में करो, तो ये हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में कर दिया है, पर हमें ये नहीं बोला है कि रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ऐसा क्वेश्चन में नहीं आया है। तो अब आप इसको डिवाइड करने में यदि टाइम लगाओगे तो देट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, और कई बार क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर देते हैं बच्चे। तो डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज योर पी एंड दिस इज योर क्यू, ये हो गया पी बाई क्यू फॉर्म में। टर्मिनेटिंग डेसिमल था, हमने उसको टर्मिनेटिंग को जब भी इसमें कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में या पी बाई क्यू फॉर्म में, तो बेटा सिंपली डेसिमल हटा करके नीचे उतने जीरो लगाना है 1 के पीछे, दैट सिंपल। जैसे यदि आपका नंबर सिर्फ 3.15 होता तो ये डेसिमल हटा और नीचे 2 जीरो आ गए, ये बन गया 315/100। तो ये पी और ये क्यू। अब ये मत करना कि इसको 5 से डिवाइड करने लग जाए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर में लिखो या पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो, सिर्फ ये बोला गया है आपको, ये नहीं बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ही छोड़ देना, क्लियर। तो अब हम चले नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ये आपका दिस इज रेशनल नंबर
Now let us consider the case when the decimal expansion is a non-terminating recurring. ये तो decimal का था. Decimal सबसे आसान है, आपको छोटी क्लास से पता है. Decimal हटाया, नीचे one के पीछे जितने decimal के बाद points है उतने zero लगा दिए. ठीक है, अब हम नई चीज सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके नाइन्थ में भी काम आएगी, टेंथ में भी थोड़ी सी काम आएगी, और यदि आप इलेवंथ में मैथ्स लोगे तो इलेवंथ में भी काम आएगी. तो इसमें क्या है कि यदि आपको दे दिया ऐसा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये 0.33333, तो मैंने क्या बोला था, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, तो हम इसको 0.3 बार लिख सकते हैं. अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में. इस 0.3 बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो इसका सिंपल तरीका क्या है, हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट एक्स इक्वल टू 0.3 बार. सबसे पहली स्टेप क्या है, जो भी नंबर है उसको आप x या y, जो भी वेरिएबल आपकी मर्जी, p by q, देखो 26 अल्फाबेट्स हैं, दो यहाँ यूज हो गए, उसके अलावा 24 अल्फाबेट्स और ओपन फॉर यू, कोई भी यूज कर लो. ठीक, तो आप p और q छोड़ के बाकी कोई भी अल्फाबेट आप अज्यूम कर लो. एंड जनरली हमको पता है हम लीनियर इक्वेशंस में क्या अज्यूम करते थे, x, तो इसलिए हमने इसको x ले लिया. तो x इक्वल टू 0.3 बार, ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई कि ये मैं नंबर ऑफ स्टेप डाल रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन करना है. ठीक है, ये समझाने के लिए कि कितनी स्टेप में क्वेश्चन होता है. एक्स को हमने अज्यूम कर लिया 0.3 बार, जो भी नंबर दिया है उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया. ठीक है, अब आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर पर बार है. हाँ, यदि डेसिमल के बाद यदि कोई और नंबर नहीं है और डायरेक्टली बार वाला नंबर है तो कितनी डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार लगा है. तो आपको क्या पता चला, देयर इज ओनली वन डिजिट जिसके ऊपर बार है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको वन के पीछे देयर इज वन डिजिट, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे, हमने इसको बोला इक्वेशन वन. अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग वन बाय 10. और 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर था जिस पे बार था, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया. तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x हो गया. हाँ, ये आपकी स्टेप टू. और ये क्या होगा, ये 0.3 बार इज एक्चुअली 0.33333333. तो आपको पता है कि यदि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, है ना. तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 3.3 बार. ये बात अच्छे से समझ लो कि यदि हमारा नंबर है 0.3 बार, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 0.33333333333 इनफाइनाइट टाइम्स, ये हमारा x है. अब हमने यदि इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, मैं इस फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रही, तो इसको यदि 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो डेसिमल एक प्लेस इधर शिफ्ट होगा राइट में, और नंबर क्या बन जाएगा, 3.33333333. अब ये फिर से 33 इनफाइनाइट टाइम्स, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया है x है हमारा 0.3 बार, और 10x हमारा क्या हो गया है, 3.3 बार. और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको x को रिप्रेजेंट करना है p by q फॉर्म में. तो हम क्या करें, इसको हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें. इक्वेशन वन कैसे आई थी आपकी, सिंपली जो भी डेसिमल में नंबर दिया था बार टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको हमने एक्स अज्यूम किया, फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स थी उतने वन के पीछे जीरो लगा के मल्टीप्लाई किया. अब आपके पास दो इक्वेशन है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें. ना सब्ट्रैक्टिंग ज्यादा मार्क्स में आए तो ये सब लिखना है, नहीं तो डायरेक्टली करते जाओ. सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू या टू फ्रॉम वन, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करें, फर्स्ट को सेकेंड से माइनस करें, हम अगले अगले क्वेश्चन में आपको बता देंगे क्या चेंज होता है. तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, एक्स माइनस टेन एक्स, टेन एक्स बढ़ा है तो टेन माइनस वन नाइन, नाइन एक्स आया और साइन माइनस का आएगा. हाँ, और यहाँ पर अब देखो डेसिमल के बाद तो सेम नंबर है, पॉइंट थ्री बार पॉइंट थ्री बार, तो सेम नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो डेसिमल के बाद क्या आएगा, जीरो. हमारा मल्टीप्लाई करने का पर्पज यही था कि डेसिमल के बाद वाला नंबर जीरो हो जाए. तो ये आपका 3.3 बार और ये, तो ये क्या बचेगा, जीरो. यहाँ क्या आ गया, माइनस. यदि मैंने ऐसे लिखा तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसल, 9x इक्वल टू 3 हो गया. x की वैल्यू क्या होगी, 3 डिवाइडेड बाय 9, 3 और 9. अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब
HCF of numerator and denominator should be 1. Such numbers are called as co-prime numbers. तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आएगा 1/3. तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3. अभी आपको पता ही है कि अपन ने 1 को 3 से डिवाइड किया था इसके पिछले उसमें, तो हमारा यही आंसर आया था 0.333 बार वाला, है ना. 1 डिवाइडेड बाय 3 होता तो मतलब 10 डिवाइडेड बाय 3 था इसलिए 3.33 था. यदि 1 डिवाइडेड बाय 3 होता तो 0.3333 होता, करेक्ट. तो ये कंसेप्ट, आई होप दिस इज क्लियर, कि आपका जो 0.3 बार है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1/3. 0.3 बार इक्वल टू, और फाइनली आंसर ऐसे लिख दो 0.3 बार इक्वल टू 1/3. ये किस फॉर्म में हो गया, रैशनल नंबर के फॉर्म में या पी बाय क्यू फॉर्म में. अब इसमें आपके कई तरह के क्वेश्चन होते हैं. ये सिंपल था, इसमें आपका सिंगल डिजिट थी. अब यहाँ देखो कि दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें आपके पास दो डिजिट्स हैं, 1.272727. तो नंबर क्या रिपीट हो रहा है, 272727. तो 27 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1.27 बार. देखो यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मैथ्स पढ़ने का ऑनलाइन तरीका यही है, वीडियो पॉज करो, डू इट योर सेल्फ एंड देन चेक योर सॉल्यूशन, ठीक है, फिर प्ले करके देख लो. तो अब हमारा ये क्या हो गया, हमने सबसे पहले क्या किया, लेट एक्स इक्वल टू 1.27 बार, ठीक. सेकेंड स्टेप क्या होगी, डेसिमल के बाद देर आर टू नंबर्स जिसके ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के पीछे 2 जीरो मतलब 100. तो हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 100 से, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 100 हो गया 100x. और ये 1.2727 का मतलब क्या है, 1.27 बार का मतलब है 1.272727. तो हमने यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होगा, तो ये क्या बनेगा, 127.27 बार. ये समझाने के लिए कर रही हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब मतलब आप एग्जाम्स में या टेस्ट में या प्रैक्टिस में जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये कंसेप्ट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है कि हुआ कैसे. तो ये हमारा क्या हो गया, 127 डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट और पीछे 2727, तो हम इसको लिख देंगे 27 बार, ठीक है. अब मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. अभी पिछली बार मैंने क्या किया था, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दी थी तो मेरे आंसर्स नेगेटिव में आए थे, पर दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो गए थे. यदि आपको वो बात अच्छी नहीं लगी हो तो आप सेकंड में से 1 भी लिख सकते हो, कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है. फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो हमें सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन वापस लिखनी पड़ेगी. दिस इज 1.27 बार. अब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 100x माइनस x सिंपल, दिस इज 99x. ये थोड़ा साइड में लिख लेना. अब ये डेसिमल के बाद तो आपको पता है कि दोनों के पास सेम नंबर है तो माइनस करके क्या बचेगा, जीरो. जीरो को सिफर भी कहते हैं, नॉट भी कहते हैं, हाँ. तो यहाँ पर जीरो बचेगा, तो ये आपका जीरो बचा, तो डेसिमल के बाद लिखने की जरूरत ही नहीं है. हम सिंपली क्या करें, 127 माइनस 1 दैट इज 126 लिखते हैं. अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी बेटा, x की. तो ये 99 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा डिवाइड में, हाँ. तो हमारा x की वैल्यू क्या हो गई, 126 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है. ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, बट इन क्वेश्चंस में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है. तो दोनों नंबर आप देखो, दे आर डिविजिबल बाय 3. 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद है आपको, यदि हम इन सबको प्लस करें 1 + 2 + 6 तो ये हमारा क्या आया, 9. और नीचे 9 + 9 करेंगे वो आएगा 18. तो ये दोनों नंबर, या इसको भी ऐड कर दो तो ये भी 9 है. तो ये एक्चुअली डिजिट्स का सम यदि 3 के टेबल में आता है तो नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, और यदि वो सम 9 का मल्टीपल है तो वो 9 से डिविजिबल होते हैं. तो हम इसको 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली. ये स्टेप भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था. तो 9 + 9 बचा 3, 36, 9 × 4 = 36, और नीचे आ गया 11. तो आपका आंसर क्या आ गया, 14/11. तो 14/11 किसके इक्वल है, 14/11 है 1.27 बार के इक्वल. इसका ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर के फॉर्म में, और ये है डेसिमल नंबर के फॉर्म में. अब एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको यहीं बता देती हूँ, अच्छा चलो बाद में करने के बाद डिस्कस करेंगे. आप क्या करो, सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर पे फोकस करो, कि जब हमने 11 से डिवाइड किया तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना. जब हमने 3 से डिवाइड किया था
तो भी हमारा डेसिमल एक्सपांशन कैसा आया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पर जब हमने 8 से डिवाइड किया था तो हमारा डेसिमल एक्सपांशन वॉज टर्मिनेटिंग, 7 से डिवाइड किया तो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये बातें आप नोट करते चले, फिर हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करके। अब हम बात करें इरेशनल नंबर की। ये तो हमारे रेशनल नंबर हो गए, व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इरेशनल नंबर है दुनिया में वो है पाई। लाइफ ऑफ पाई देखना तो पता चल जाएगा व्हाट इज पाई। तो पाई है सबसे इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर, और मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि दो बातें याद रखना, जीरो रेशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पाई इरेशनल क्यों, ये बात भी हमने कर ली थी कि पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो गई, बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ये बात भी याद रखें आप। अब देखो आपके जो इरेशनल नंबर, सबसे पहले अपन ने क्या ड्रॉ किया था, रिप्रेजेंट रूट टू, वन, वन यूनिट का बेस, वन यूनिट का परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या बन जाता है, रूट टू, और इसके इक्वल कंपास पे आग लेके हम इधर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते, राइट। तो रूट टू की वैल्यू क्या होती है, यदि रूट टू का आप स्क्वायर रूट निकालना शुरू करो, लॉन्ग डिविजन मेथड जो आपने 8th क्लास में सीखी थी, तो आपके रूट टू की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 1.41421352373090508801688724209600 कम लिखी, बिकॉज रूट है और नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, इतने डिजिट पढ़ के पता चल गया ना, रिपीट थोड़ी हो रहा है ब्लॉक। तो ये आपका नंबर इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, देयर इज ओनली वन टाइप, हां, व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर में क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, रेकरिंग था, यहां पर रेकरिंग नहीं है, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा, रिमाइंडर रिपीट नहीं होगा और ना टर्मिनेट होगा, ना तो रिमाइंडर जीरो बनेगा ना रिमाइंडर रिपीट होगा, यदि हो गया तो फिर तो रेशनल बन गया ना। तो ये बात याद रखना, कोई भी ऐसा नंबर दिया है जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो दैट नंबर इज इरेशनल नंबर। तो अब आपका पाई की वैल्यू भी देख लो, पाई की वैल्यू क्या होती है, हम मैथ्स में सरफेस एरिया वॉल्यूम में कई बार 3.14 लेते थे, पर उसके आगे क्या है, 1592653589793238463, बहुत सारे नंबर, हाँ, ये खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाता जाएगा। तो अब जो पाई की वैल्यू है उसकी बात भी हम कर लें, कि जो आर्किमिडीज था, ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज, साइंस में फिजिक्स में भी पढ़ोगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ही वाज द फर्स्ट टू कंप्यूट डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ पाई। उन्होंने सबसे पहले पाई के डेसिमल एक्सपांशन में जो डिजिट्स आती हैं वो कैलकुलेट की थी, उन्होंने शो कर दिया था कि पाई की वैल्यू 3.140845 से 3.142857 के बीच में लाई जाती है। और जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, हाँ, उन्होंने भी ये पाई की वैल्यू हमको बता दी थी, कि पाई की वैल्यू उन्होंने डेसिमल के बाद चार प्लेसेस तक कंप्यूट कर ली थी, इट इज 3.1416, क्योंकि 5.9 तो वो अप्रोक्सीमेटली 6 हो जाएगा। अब हाई स्पीड कंप्यूटर से हम एडवांस एल्गोरिथम यूज करके पाई की वैल्यू कंप्यूट हो जाती ओवर 1.24 trillion डेसिमल प्लेसेस, हाँ। और एक बात और, कि लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं गिनीज रिकॉर्ड्स फॉर रिमेंबरिंग द वैल्यू ऑफ पाई आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कि भाई इसको 5000 प्लेसेस तक डेसिमल के बाद याद है। पहले ये रिकॉर्ड चाइना के किसी बंदे के नाम पे था, और अभी इंडिया के, और आपके लिए मे बी फीलिंग ऑफ प्राउड, कि राजस्थान के लड़के के नाम पर है। गूगल पे सर्च करना और व्हाट्सएप करना मुझे, मैं नाम भूल गई हूँ, है ना। तो अपने राजस्थान में ही आई थिंक सीकर का कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ही हैज मेट दिस गिनीज रिकॉर्ड नाउ। तो पाई ये इरेशनल नंबर है, भूलना नहीं है, है ना, क्योंकि लोग पाई की वैल्यू डेसिमल के बाद इतने प्लेसेस तक याद करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी बना पा रहे हैं, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब दैट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, अब हमको यदि इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, कोई भी दो नंबर्स के बीच में हमें बोला इरेशनल नंबर इंसर्ट करो, तो हमें पता है कि इनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हम डेसिमल फॉर्म में लिख पाएंगे, रेशनल नंबर फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, इरेशनल तो वो है ही। तो हम क्या करें, हमको यदि बोला 1/7 और 2/7 के बीच में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इंसर्ट करो, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू डेसिमल में देखें कि 1/7 है क्या,
और 2/7 की वैल्यू होती क्या है, क्योंकि हमें जो इरेशनल नंबर लिखना है वो तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है, राइट। तो हमने 1/7 अभी हमने डिवाइड किया था प्रीवियस पार्ट में, तो हमने 1/7 को डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आ गई, 0.142857। अब यदि मुझे 2/7 की वैल्यू चाहिए तो देखो एक बात समझो कि 1/7 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम 2/7, राइट। तो मैं 1/7 की जो वैल्यू है इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं बजाय इसके कि मैं 2 को फिर से 7 से डिवाइड करूं, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ 1/7 by 2, जो भी डेसिमल वैल्यू, देन व्हाट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 2/7। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 कैरी 1, 2 5 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 और 14 2 28 और 0. एज इट इज, तो आपकी 2/7 की वैल्यू क्या आ गई, 0.285714 और उस पे बार था तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, बार। ये क्वेश्चन भी आपको आगे एक्सरसाइज में मिलेगा कि 1/7 की वैल्यू ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 एंड सो ऑन। तो सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गई यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन भी आप अपने आप ट्राई कर सकते हो कि 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7 के लिए 1/7 की जो डेसिमल वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/7 चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/7 क्या हो जाएगा, 3 × 1/7 विदाउट डिवाइडिंग एक्चुअली। हाँ, तो हम सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हो, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 7 21, 3 5 15 और 1 16, 3 8 24 और 1 25 बचा 2, 3 2 6 और 2 8, 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 14, ये आ गया 0.428561। एक सेकेंड, 3 7 21 बचा 2, 3 5 15 और 2 17, यहाँ पर 7 आएगा, ये आपका 7 आएगा, तो ये आपका नंबर आ गया 4285711। अच्छा, एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं, मुझे कैसे पता चला कि मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर आप नंबर्स को देखो तो, अच्छा 4/7 में निकालते हैं, देन यू विल गेट द आइडिया, 4/7 करेंगे तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ गया, 0.47 28, 4 5 20 2 22, 2 4 32 2 34, 3 4 2 8 और 3 11 कैरी 1 14, 4 भी कर सकते हैं डायरेक्टली, 56 और 1 57.57 1428। अब एक मजेदार बात देखो, हाँ देर इज एज सच कुछ नहीं है, बट आपके डिजिट्स पे फोकस करो, 1 4 2 8 5 7 है और यह आ गया 2 8 5 7 और ये 1 4 का ब्लॉक पीछे आ गया। अब यहाँ पे ब्लॉक शुरू हो रहा है 4 से, तो ये 4 इधर है, ये 4 उठा के मतलब इस पूरे को उठा के इसके पीछे शिफ्ट कर दो, तो 0.42857 1। हाँ, अब यहाँ पे 0.5 से शुरू हो रहा है, 5 7 1 4 और 8 2 8 पूरा का पूरा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। देयर इज नो फिक्स ऑर्डर बट द डिजिट्स आर सेम, सेम डिजिट्स ही आ रही, जो 1 4 2 8 5 7 है वही डिजिट्स रिपीट हो रही, 6 कहीं नहीं है, इसलिए मुझे क्लिक किया, मैंने जब फोन पूरे पे ध्यान दिया तो मुझे याद आया 6 तो आएगा ही, 7 आएगा, है ना, तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे यहाँ पर पकड़ में आ गई। तो ये बात आप ध्यान रखें कि इसके उसमें बड़ी मजेदार सी बात होती है। चलो, हम तो एक्चुअली क्या निकाल रहे थे, ये मैंने आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा दिया, जब आई विल एक्सप्लेन यू। अब हमारा क्या था, हमें तो इसके बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करना था। अब हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर किसके बीच में होना चाहिए, 0.142857 और 0.285714 इनके बीच में लाइ करना चाहिए। हाँ, तो ये हमको बोल दिया कि भाई इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको जब बड़ा और छोटा वाला लिमिटेशन है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि ये इरेशनल है तो हम इधर ना जाए, हम इससे बड़ा नंबर ले लें, 1 4 से आगे चले जाए, मतलब आप यदि डेसिमल को भी छोड़ दें तो ये 14 है वो 28 है, तो 14 से 28 के बीच में आपको नंबर चाहिए तो आप 14 और 28 पर जाओ ही मत, आप 15 से 27 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, आपको एक या दो नंबर इंसर्ट करना है, एक ही करना है, और कई बार 3 लिखा जाता है, तो हम क्या करें, हमने सपोज ले लिया 0.15 या हमने ले लिया 1 7 या हमने ले लिया 2 7 या 0.25, देखो इतने सारे ऑप्शन हैं, 0.15 से 0.27 के बीच का कोई भी नंबर आपकी मर्जी का आप लिख लो, ठीक है। पर ये मैंने क्या लिखे हैं, ये सब नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग, मैंने आगे खत कुछ लिखा नहीं तो दिया टर्मिनेटिंग, बट हमको क्या लिखना था, इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन ब्रेकिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसके आगे बेटा इरेशनल नंबर्स के लिए एक बात याद रखो, एक टेल लगती है, कॉल इट एज अ टेल, कि हम इन सबके पीछे सेम चीज लगा दें, जैसे इन्होंने लगाया ये 01551001 इस तरह से, तो हम सिंपली 01001000 नंबर ऑफ जीरोस कीप ऑन इंक्रीजिंग वन, और फिर हम क्या लिख देंगे डॉट डॉट डॉट। तो देखो एक बात क्या हुई कि पहले 01 है, फिर 201 है, फिर 301 है, तो मतलब ये रिपीट तो नहीं हो रहा, जीरो के नंबर चेंज होते जा रहे, तो इट इज नॉट रिपीटिंग। एंड व्हाट डज द डॉट 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 सिंपली सिग्निफाई, दिस सिग्निफाई कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। डॉट 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 का क्या मतलब कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, और ये ब्लॉक क्या बता रहे हैं कि दिस इज नॉन रिपीटिंग। अब इसकी जगह जीरो सबसे इजी यही कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत सारी बुक्स में अभी आपको बोला होगा कि चेक करो ये रेशनल इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर हमेशा इसी फॉर्म के होंगे। अब आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 01200112 0112 डॉट 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 डॉट, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो सबसे आसान टेल यही होती है। तो अब मैं क्या करूँ, इन सबके पीछे इन सब के पीछे ये नंबर लगा दो, तो ये सब मेरे क्या बन गए, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे क्या बन गए, इरेशनल नंबर 0.1501001000001 0.1701001001 0.1270100001 0.1 0.2 0.1 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 0.
001 डॉट डॉट डॉट, तो ये नंबर क्या बन गया, इरेशनल। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा है आंसर में 0.1501, 5001, 5001, वही है 01001, 0001, 0001, बस उन्होंने 5 भी उसके साथ डाल दिया उसकी रिपीटिंग स्ट्रीम में। तो ये सिंपल है, आगे डॉट 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 को मत भूलना, ठीक है। तो ये आपका एक कंसेप्ट क्लियर। अब आपको मैंने कल ये होमवर्क दिया है ना कि आप इन सबका डिवीजन करके रखो, फिर हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, डिवीजन तो आपको आता है, उसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब 36/100 है, जैसे हमने अभी डेसिमल वाले को कन्वर्ट किया था तो हमने डेसिमल हटा के नीचे जीरो लगा दिए थे। तो यदि डिवीजन बाय 10 मतलब 10 का मल्टीपल है तो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग टू डू। हम ये डेसिमल हटाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 100 हटाएंगे ऊपर 0.36। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपांशन है, दिस इज टर्मिनेटिंग। और इसके डिनोमिनेटर में क्या था, 100। तो डिनोमिनेटर में जब भी 100 वगैरह हो तो वो हमेशा डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अब हम 1 डिवाइडेड बाय 11 करें तो 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, 0 आपका डेसिमल लगाया, 10 हो गया, अभी भी कम है तो हम एक 0 यहाँ लगाते ही 100 हो गया, 11 9 99। और देखो मज़ेदार बात, रिमाइंडर वापस से क्या आ गया, 1। अब मैं यदि और करूँगी तो मेरा क्या होगा, बार बार ये 09 09 09 आता जाएगा। इसका मतलब 1/11 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0.09 इन दिस स्ट्रिंग, फुल स्ट्रिंग इज रिपीटिंग 0909। दो प्लेस के बाद ही रिपीट हो गया, डिवाइड किससे कर रहे थे, 11 से। तो मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती थी, 11 - 1 10, पर ये दो प्लेस में रिपीट हो गया और डिनोमिनेटर क्या था, 11। अब यदि हम 4:1/8 को करें तो पहले ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, 4 8 32 32 + 1 33 आता है ना, ये 4 × 8 + 1 दैट इज 32 + 1। तो ये नंबर एक्चुअली क्या बन गया, दिस इज 33 / 8। तो 33 को हम 8 से डिवाइड करें तो 8 4 = 32, बचा 1 डेसिमल 0, 8 1 = 8, रिमाइंडर आया 2, फिर आपका क्या हो गया, 8 2 = 16, रिमाइंडर आ गया 4, 40 8 5 = 40, एंड रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। अब आपका रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। तो यदि हमने इसको 4:1/8 या 33/8 को डिवाइड किया तो हमारा डेसिमल एक्सपांशन आया 4.125। किस टाइप का है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, राइट, ये टर्मिनेटिंग है। और डिनोमिनेटर क्या था, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका 3/13, तो 3/13 हम करें, 3/13 छोटा नंबर है डिवाइजर, तो हम यहाँ पर एक डेसिमल लगा लें तो ये हो गया 30। अब 13 2 = 26, रिमाइंडर क्या बचा, 4, फिर से 0, 13 3 = 39, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। अभी डिवाइड नहीं हो रहा तो हम फिर से क्या करेंगे, एक 10 डेसिमल लग गया,
डेसिमल के कारण एक जीरो आ गया, बट अभी भी नंबर स्मॉलर है इससे, तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, अब ये क्या हो गया 100, तो 13 7 91, अब क्या बचा 9, हाँ तो अब कितने टाइम जाएगा, 7 जा था तो 6 टाइम्स 78, रिमाइंडर क्या आ गया 280 12, फिर से जीरो, अब 13 9 जा 117 होता है, तो 13 9 जा 117, रिमाइंडर क्या आ गया 3, और स्टार्ट किससे किया था 3 से, तो ये ध्यान रखना रिमाइंडर जो स्टार्टिंग वाला रिमाइंडर जहां रिपीट हो जाए वहां आपका डिवीजन स्टॉप हो जाता है, तो हमने 3/13 किया, तो हमारा आंसर आया 0.230769, एंड दिस ब्लॉक विल बी रिपीटिंग, सो ये आ गया, तो ये नंबर कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग है, उसका डिनोमिनेटर क्या था 13, इसमें कोई 2 और 5 नहीं था, हाँ, और अगला नंबर क्या है आपका 2/11, देखो बेटा 1/11 अपन ने निकाला था, 1/11 क्या आया था 0.09, तो अभी मैंने आपको उधर 1/7 2/7 बताया था ना, तो ऐसे यदि हम 2/11 करना चाहते हैं तो हम इसको सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 9 18, आंसर क्या आएगा 0.18 बार, ठीक है, जैसे 1/11 इंटू 2 करेंगे तो 2/11 आ जाएगा, जैसे हमने 1/7 की वैल्यू को 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई किया, सेम में मैं 1/11 2/11 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप यदि डिवाइड करोगे तो भी आंसर यही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, बट दिस इज द सिंपलेस्ट यदि हमने किया हुआ है, और 329 डिवाइडेड बाय 400, अब 329 को 400 से डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड कर दो, डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट कर दूंगी, तो 4 8 32, रिमाइंडर 0, 4 2 8 बचा 1, अब डेसिमल इधर आएगा पर हमको 2 प्लेस शिफ्ट करना था तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, हाँ तो हमारा यहाँ पर आएगा डेसिमल, और ये हो गया 4 2 8 बचा 220, दैट इज 4 5 20, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा हुआ टर्मिनेटिंग। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि डेसिमल एक्सपांशन आपका जब भी डिनोमिनेटर में 2 या 5, व्हेनेवर डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का मल्टीपल हो, 2 और 5 का मल्टीपल मतलब 5 2 सा क्या होता है 10, यदि डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग, और 10 नहीं है पर यहाँ पर 8 था तो भी डेसिमल एक्सपांशन कैसा आया टर्मिनेटिंग, 8 क्या था 2 की पावर 3, ये आपका 400 मतलब 2 2 10 2 2, ये 10 में तो 5 आ गया, मतलब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 100 इज 10 स्क्वायर, तो ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो 2 4 बार 2 आएगा 2 बार 5 आएगा, यदि डिनोमिनेटर में ओनली 2 ओनली 5 या 2 एंड 5 दोनों हैं तो डेसिमल एक्सपांशन इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड किए देख करके बोल सकते हो तुम, ये चीज तुम 10th के रियल नंबर्स में पढ़ोगे, 10th के रियल नंबर में एक एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है कि डेसिमल एक्सपांशन कैसा है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, देख के बताओ, हाँ फिर बताओ कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो वो सब हम 10th में पढ़ेंगे, बट आपको ये बात समझ में आ गई कि जब भी डिनोमिनेटर में ओनली 2 हो ओनली 5 हो या 2 और 5 मतलब 10 हो तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया तो डेसिमल एक्सपांशन इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रेशनल नंबर है तो नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, इट हैज टू रिपीट, तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है 9th क्लास के लिए भी 10th क्लास के लिए भी, तो आपको अभी समझ में आ गई है, अब आप इसको याद रखें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 1/7 ये है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7 3/7 एक्सेट्रा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो हमने 2/7 3/7 हमने यहाँ 4/7 तक किया था, अब आप इसको 5 से और 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 5/7 6/7 ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस, अच्छा तो ये वाला भी हम कर लेते हैं, और ये बात भी हम कर चुके हैं 5th क्वेश्चन वाली कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन, इसके उसमें डेसिमल एक्सपांशन में मैक्सिमम डिजिट्स कितनी हो सकती है, तो 1/17 है तो 17 - 1 मैक्सिमम डिजिट्स कितनी हो सकती है 16, और इसको लॉन्ग डिविजन करना आपको आता है तो आप इसको डिवाइड करके देखो, इसका आंसर हम कल चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम
चले क्वेश्चन नंबर थ्री पे. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमने सीखा है आज, जो जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. क्या करना है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. एक तरीका क्वेश्चन को स्टेट करने का ये होता है. दूसरा क्या बोलेंगे, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो, एक्सप्रेस कर दो रेशनल नंबर के फॉर्म में. उसका मतलब भी यही है, करने का तरीका सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है. तो दोनों बात समझ जाओ. मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स. तो हमने लिखा लेट एक्स इक्वल टू 0.6 बार. अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे बार है, एक पे. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से. तो इक्वेशन क्या बन गई, 10 इंटू एक्स. दोनों साइड होता है, एक साइड नहीं कि सिर्फ लेफ्ट साइड किया राइट साइड नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी. दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10x. ये 6 एक बार इधर और उधर, तो ये हो गया 6.6 बार. ठीक है, ये आपकी सेकेंड स्टेप. फिर हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 10x माइनस एक्स आपका क्या बचा, 9x. और डेसिमल के बाद तो आपको पता है सेम नंबर है, तो इट विल ऑलवेज गिव यू जीरो. तो 6 माइनस 0 इज 6. तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 6 डिवाइडेड बाय 9. और दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9. तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 2/3. तो 0.6 बार किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 2/3. करके देख लो, 2 को यदि 3 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल लगाया, 3 6 जा 18. फिर से क्या आ गया, 2. फिर से 3 6 जा 18, करते जाओ 12 आएगा, है ना. क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपका 3 है, 3 इज अदर देन 0. क्लियर. सेकेंड पार्ट आपका जो है क्वेश्चन का वो क्या है, अच्छा सेकेंड हम बाद में करेंगे, पहले हम थर्ड पार्ट करेंगे क्योंकि उसमें दूसरा कंसेप्ट यूज हो रहा है. थर्ड पार्ट में आप देखो, नंबर इज 0.001 बार, पूरे नंबर पे बार है. तो हमने सबसे पहले वही लिखना है, लेट एक्स इक्वल टू 0.001 बार. ठीक है, तो 001 बार. अब डेसिमल के बाद, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें एक डिजिट या दो डिजिट थी, ये जीरो भी काउंट होंगे क्योंकि उनके ऊपर बार है. तो हमारा डेसिमल के बाद कितने नंबर है जिसपे बार है, देर आर 3 नंबर. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के पीछे 3 0 मतलब 1000. तो आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 लिखेंगे. ये इक्वेशन 1, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 1000x. और राइट हैंड साइड में क्या होगा, आपको पता है कि 0.001 बार का मतलब क्या है, 0.001001 एंड ऑल नंबर. तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा, तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर आपका बनेगा 1.001 बार. क्योंकि आगे, अब जब डेसिमल हट गया तो आगे के जीरो का कोई सेंस नहीं है. यदि 100 होता, 1 के पीछे होते तो 100 लिखते, पर आगे है तो रिमूव हो जाएंगे, है ना. वी विल राइट इट इज 1.001 बार. नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करें, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें. आप लोगों के लिए यही इजी होगा कि आप ऐसे फिर से लिख दो, है ना, कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन. तो 1000 माइनस 1, 1000x माइनस x विल बी 999x. और इक्वल टू में डेसिमल के बाद तो जीरो ही आता है, और इधर 1 और 0 है तो ये क्या आ गया, 1. तो आपकी x की वैल्यू, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1/999. और हमेशा आंसर बेटा जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था उसी फॉर्म में. क्वेश्चन क्या था, 0.001 बार, तो हम इसी को लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/999. और आंसर को हाईलाइट कर दो, बॉक्स बना दो, या आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे ऐसे डबल लाइन लगा दी तो टीचर को पता चल जाएगा आंसर यहाँ है. हाँ, अब आपका सेकेंड पार्ट. तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये सब पे बार है, तो ये मेथड है. अब यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ पर आपका जो नंबर है उसमें 4 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है. तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो कल फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होगी कि हमने इसको एक्स अज्यूम कर लिया. अब दूसरी स्टेप हमारी डिफरेंट होती है, और उसके आगे हम वही फॉलो करते हैं एल्गोरिथम जो हम बाकी क्वेश्चंस में करते हैं. हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर हमें कैसे चाहिए थे, डेसिमल के बाद सीधे बार वाला नंबर,
है ना। तो हम क्या करें, हमको पता है कि हमको डेसिमल शिफ्ट कैसे करना है, तो हम यदि हमको ये फोर है, देयर इज वन नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम चाहते हैं कि पहले ये बाहर आ जाए, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, टेन से। तो हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया टेन से, तो ये हमारा क्या बन गया, दिस विल बिकम टेन एक्स इक्वल टू, ये फोर इधर शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या है, दिस इज 0.47777। फोर तो एक ही बार है, सेवन रिपीट हो रहा है, तो हम पहले फोर को बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको टेन से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर क्या बन गया, 4.7 बार। 4.777 आई कैन राइट इट इन शॉर्ट इज 4.7 बार। अब ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ये आपकी फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकेंड। अब यदि ये 4.7 बार है और आपको इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, डेसिमल के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो हम इस इक्वेशन को फिर से मल्टीप्लाई कर दें 10 से, दोनों साइड इधर भी, तो 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100x, और इक्वल टू के इधर क्या होगा, ये 4.7 बार का क्या मतलब है, दिस इज 4.7777। अब मैं एक मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या होगा, 47, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हुआ, तो ये हो गया 47.7 बार। व्हाट वी नीडेड कि हमारा ये जो वैल्यू है डेसिमल के बाद, ये सेम होना चाहिए, जब हम सब्ट्रैक्शन की स्टेज पे जाएं तो डेसिमल के बाद नंबर सेम होना चाहिए, ताकि जब हम उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल के बाद क्या है, जीरो, ठीक है। तो अब हम इनको आपस में माइनस करेंगे, तो अब एक्स वाला माइनस नहीं होगा, 10x माइनस होगा, ताकि ये सेम रहे। और लिखते वक्त ध्यान रखना, 4 के नीचे 4 मत लिख देना, यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस वो कंसेप्ट आप याद रखें। अब फिर से इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो 100x माइनस 10x इज 90x, और इधर क्या बचेगा, डेसिमल के बाद तो पता है तुम्हें जीरो आएगा, 47 माइनस 4 इज 43, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 43/90। 43 प्राइम नंबर है, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, कैंसिल नहीं होगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 0.47 बार। 0.47 बार इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाय 90, ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया रेशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। अब आप क्वेश्चन, आज मैं आपको गूगल फॉर्म भेजूंगी, हाँ, तो उसमें आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा जैसा भी हो, हाँ, और इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ऑनलाइन क्लास का एडवांटेज क्या है, आप इसको वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो, और साथ में प्रैक्टिस करके देखो, जो समझ में नहीं आए फोन करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।